हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल स्टडी। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले क्विक फास्ट रिवीजन का पार्ट 5 आपका रहेगा, जहां पे हम 2018-19 के 1000+ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, पार्ट 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन पर भी उसकी प्ले लिस्ट में आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर पूरी वो प्ले लिस्ट देख लीजिए आप, तो उसमें आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे अभी तक के। तो यहाँ पे देखिए, हम 2018-19 के जो 1000 प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं अभी, 2018 के जो कि कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद में हम 2019 के जो क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फास्ट रिवीजन हमारी चल रही है। आई होप कि इसके बारे में आपको पता होगा, तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं बताएंगे इसके बारे में। अब आपको यहाँ पे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो इसकी सीरीज जैसे ही आए तो आपको तुरंत से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड और भी जो वीडियो हमारी आती है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद में। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश का पूरा 1 साल का करंट अफेयर जो कंप्लीट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जनवरी से पूरा अक्टूबर तक का अपडेट करंट अफेयर मिल जाएगा, एंड नवंबर दिसंबर का भी जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर वीडियो अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना होगा, जब भी आपको ये सारे वीडियोज़ यहाँ पर मिल पाएंगे। एंड यदि तक आपने अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आया वो आता है, मध्य प्रदेश में जापानी उद्योग टाउनशिप कहाँ पर स्थित की जाएगी। अब देखिए, मध्य प्रदेश में जापानी टाउन उद्योग टाउनशिप कहाँ पर जो कि स्थापित की जाएगी, तो ये जो स्थापित की जाएगी, ये स्थापित की जाएगी पीतमपुर में। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीतमपुर जो कि आपका धार जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर आपके जापानी उद्योग टाउनशिप स्थापित की जाएगी, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ पर आयोजित किया गया था। अब ये जो फ्रेंड्स ऑफ एमपी है 2018 में कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। अब देखिए, ये जो 2018 में जो कि आयोजित किया गया था फ्रेंड्स ऑफ एमपी, जनवरी में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, और ये इंदौर में किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इतना भी आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रख लेंगे, तो कोई भी फैक्ट अगर आपका निकल कर आएगा तो आप आसानी से उसको क्लिक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, एमपी कांस्टेबल एमपी जीके की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलेगी, इसके साथ में आपको एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और यदि आप एमपीपीएससी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, जिस पर अभी 40% का पूरा डिस्काउंट चल रहा है। साथ में एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो सभी टेस्ट सीरीज पर 40% की पूरे डिस्काउंट चल रहा है। आपको हमारे कूपन कोड ROYJGO40 को यूज करना होगा और डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। अब देखिए, 62वीं जो सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, इसकी नवंबर 2017 में किसने मेजबानी की थी, तो इसकी जो मेजबानी की थी वो की थी आपकी इंदौर ने, इंदौर डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप थी जो कि नवंबर 2017 में इंदौर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में राज्य स्तरीय आयरन और आयोडीन युक्त वन्य प्लस डबल फोर्टिफाइड नमक वितरण योजना का शुभारंभ किया। अब आपको बता देते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उस टाइम इन्होंने इस का शुभारंभ किया था, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन्होंने किस चीज़ का शुभारंभ किया था। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने किस जिले में यहाँ पे किया था, तो किस जिले में राज्य स्तरीय आयरन और आयोडीन युक्त वन्य प्लस डबल फोर्टिफाइड नमक वितरण योजना का शुभारंभ किया था, तो किस जिले में किया था, ये इन्होंने किया था आपके मंडला में। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मंडला जिलों में यहाँ पर इन्होंने शुभारंभ इसका किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2018 के मध्य अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक का महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। अब ये जो किया गया 8 जनवरी 2018 के मध्य किया गया अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक का महानिरीक्षक सम्मेलन, और कहाँ पर किया गया, ये किया गया आपका टेकनपुर में, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेकनपुर में ये किया गया है अखिल भारतीय जो कि अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक का महानिरीक्षक सम्मेलन, 8 जनवरी 2018, इतना भी आपको याद रखना होगा, टेकनपुर जरूर से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जनधन सुरक्षा योजना जल्द ही लागू की जाएगी।
अब देखिए मुख्यमंत्री जो जनधन सुरक्षा योजना जल्द लागू की जाएगी किस राज्य में की जाएगी, कहाँ के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी? अब देखिए लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय जो महिला पायलट बनी वो कौन बनी, तो वो बनी आपकी अवनी चतुर्वेदी। बिल्कुल आई होप का आपको इनके बारे में पता भी होगा। अवनी चतुर्वेदी जो है पहली जो कि लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दूधनाथ सिंह का निधन हो गया वहाँ कौन थे? अब देखिए दूधनाथ सिंह मध्य प्रदेश संबंधित थे और यह कौन थे, तो ये थे आपके साहित्यकार। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूधनाथ सिंह जो है इनका निधन हो गया अभी और ये साहित्यकार हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है थोड़ा सा, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जून 2018 को मध्य प्रदेश में कहाँ कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसान महोत्सव का सम्मेलन आयोजन किया गया? अब देखिए जून 2018 में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया, ये आपको याद रखना है, और किस कहाँ पर किया गया मध्य प्रदेश में ये आपको बताना है, जो कि कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसान महोत्सव सम्मेलन का आयोजन, तो ये जो किया गया वो किया गया आपका जबलपुर में। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है, जबलपुर में इसका जो कि आयोजन किया गया जून 2018 में, किसान महोत्सव याद रखिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, अमृत योजना के लिए ब्रांड जारी करने वाला देश का तीसरा नगर निगम कौन सा है? अब देखिए देश का तीसरा जो नगर निगम है जिसने ब्रांड जारी किया है अमृत योजना के लिए वो है आपका इंदौर नगर निगम। बिल्कुल इंदौर नगर निगम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने जो कि अमृत योजना के लिए ब्रांड जारी की है ये देश का तीसरा नंबर का नगर निगम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में प्रस्तावित ग्राम स्वराज अभियान के तहत टीकाकरण अभियान संचालित किया जाएगा, इस संबंध में कथन जो कि कथन सत्य है? अब देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो यह जो है राज्य में चयनित 8 जिलों में संचालित किया जाएगा यह अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, या फिर उपरोक्त दोनों कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों, बिल्कुल सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ये जो अभियान है भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और ये राज्य में चयनित 8 जिलों में संचालित किया जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में दूधनाथ सिंह का निधन हो गया वह मध्य प्रदेश सरकार के किस सम्मान से सम्मानित किए गए थे? अब देखिए कुछ टाइम अभी आपको बताया इससे पहले कि दूधनाथ सिंह का निधन हो गया, वह एक साहित्यकार थे, तो अभी इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इनको जो दिया गया था वो कौन सा, मैथिली गुप्त जो कि मैथिली शरण गुप्त सम्मान है, इनसे इनको सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राज्य स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार हितग्राही सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? अब देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे जिस टाइम का ये करंट अफेयर आपका निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने किस पोर्टल का शुभारंभ किया, इन्होंने अस्पताल पोर्टल का शुभारंभ किया। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, अस्पताल पोर्टल का इन्होंने शुभारंभ किया है स्वरोजगार हितग्राही सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि कल्याण अभियान में चलाए जा रहे कार्यक्रमों में प्रदेश के किस जिले को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है? तो कौन सा जिला है, वो जिला है आपका छतरपुर और राजगढ़। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छतरपुर और राजगढ़ जो जिला है इन दोनों को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है किस चीज़ में, तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि कल्याण अभियान में चलाए जा रहे कार्यक्रमों में प्रदेश के छतरपुर राजगढ़ जिले को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला, ये आप जरूर से याद रखिए। अगला क्वेश्चन आता है, ताइवान में मिस एशिया स्पर्धा में मध्य प्रदेश की देशना जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कहाँ की है, यानी ये कहाँ की है ये आपको बताना है, तो ये आपके इंदौर की सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने देखिए जेसना जैन जो है इन्होंने ताइवान में मिस एशिया स्पर्धा में मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश में जो कि मध्य प्रदेश की है ये, और इन्होंने प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की अगर बात की जाए तो इसमें मध्य प्रदेश ने जो स्थान प्राप्त किया है वह प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को मिला है, तो याद रखिए थोड़ा सा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रथम स्थान मध्य प्रदेश ने इसमें हासिल किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, श्री शंकर पांडे ने इंग्लैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यहाँ पर इन्होंने जीता है देश के लिए, तो यहाँ किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपको बताना है कि किस खेल के खिलाड़ी है जिन्होंने यहाँ पे शंकर पांडे इसका नाम है
जिनका जिन्होंने जो कि इंग्लैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके तलवारबाजी से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी तलवारबाजी के प्रसिद्ध ये खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है आपका लघु फिल्म जीते हैं, फिल्म का नाम है जीते हैं, ये एक लघु फिल्म है, ये किसके जीवन पर आधारित है, ये क्वेश्चन मैं आपके दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फिल्म है आपकी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी उनके ऊपर आधारित है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक लघु फिल्म है, जीते इसका नाम है और ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आधारित है। और देखिए यहाँ पे सबसे अगर पहली बात बताए तो ये मध्य प्रदेश की फिल्म है, यहाँ पे आपको इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भूस्वामी और बटाईदारों के हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? अब देखिए ये जो राज्य बना है कौन सा बना है, यानी भूस्वामी और बटाईदार के हितों के संरक्षण के लिए जिसने कानून बनाया है वहाँ देश का पहला कौन सा राज्य है? तो वो राज्य आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा एकमात्र पहला देश है, पहला राज्य है जिसने भूस्वामी और बटाईदार के हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाता है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में उच्च स्तरीय स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट खुलेगा। इस तरह के इंस्टीट्यूट देश भर में कितने स्थानों पर खोले जा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे आपको पता ये तो चल ही गया है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में खुलने वाला है उच्च स्तरीय स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। अब इस तरह के जो इंस्टीट्यूट खुलेंगे वो देश भर में यानी पूरे भारत में कितने इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, ये आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर टोटल आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 20 यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे पूरे भारत में। और यहाँ पे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये बन रहा है उच्च स्तरीय स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। ये इसका नाम तो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ पे आपको ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर यह बन रहा है। नेक्स्ट आपका निकल कर आता है क्वेश्चन कि सॉफ्ट टेनिस खेल में एकलव्य पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? अब देखिए सॉफ्ट टेनिस बॉल की अगर बात की जाए खेल में एकलव्य जो पुरस्कार दिया गया 2018 का, ये जो दिया गया आद्या जो कि आद्या तिवारी को दिया गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आद्या तिवारी को यहाँ पर दिया गया सॉफ्ट टेनिस खेल में एकलव्य पुरस्कार 2018 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, कबड्डी खेल में एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अब देखिए कबड्डी खेल में जो एकलव्य पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया, तो वो दिया गया आपका आकाश नैनीवाल को। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है, आकाश नैनीवाल को कबड्डी खेल में एकलव्य पुरस्कार दिया गया, यानी कबड्डी खेल के लिए इनको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आकाश नैनीवाल इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है? यानी मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार यानी से सम्मानित करने के लिए यानी 2018 में किसे चुना गया, ये आपको क्लिक करना है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका उपरोक्त सब, यानी बुटुम इबो जो कि इबो मचा सिंह, घनश्याम चौधरी और विनोद मिश्रा। तो तीनों को यहाँ पे चुना गया है, तीनों का नाम आपको याद रखना है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में हर्षिता तोमर को मध्य प्रदेश के किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया यानी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हर्षिता तोमर को यहाँ पे चुना गया है 2018 में किस खेल पुरस्कार के लिए यहाँ पे चुना गया है इनको, तो इनको चुना गया है विक्रम पुरस्कार के लिए। हर्षिता तोमर 2018 में इनको चुना गया था विक्रम पुरस्कार के लिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 2018 का एकलव्य पुरस्कार अद्वैत पांगे को किस खेल के लिए दिया गया है? तो देखिए अद्वैत पांगे को यहाँ पे दिया गया है 2018 का एकलव्य पुरस्कार, किस खेल के लिए इनको दिया गया है? तो इसको इनको जो दिया गया है वो दिया गया है आपका तैराकी के लिए, यानी अद्वैत पांगे जो है तैराकी से संबंधित है और इनको 2018 का एकलव्य पुरस्कार तैराकी से जो कि के लिए यहाँ पे इनको दिया गया है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिए। एंड फ्रेंड्स, हम पार्ट 5 आज डिस्कस हमने किया है, पार्ट 6 भी आपको जल्द से देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए, पार्ट 6 आपको जल्दी से देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम कोशिश करें कि इसके अच्छी और वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।